मेरी उम्र में आपने क्या मतलब सबसे पहली जो आप सबको घर वालों को अच्छी लगी वो क्या बनाई थी? हमारी एज अभी कितनी है? मेरी अभी 16 में तो मैंने जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो बनाया था कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त सीखना चाहिए मुझे, मुझे भी सीखना है भाई ये सब। Hey guys, this is Brotherhood Channel and welcome back with a new vlog. So in today's vlog, there is a good news for our family basically. So my cousin is unka beta hua mashallah se, and his name is Mohammed Ibrahim. And right now uska akika hua tha, and he lives in UK by the way. But uska akika kiya tha to uske get together thi. So right now I'm going to his house and let's see what is going to happen over there. मेरा भी रोज़ा है एंड उन दोनों का भी सुबह मुहान का भी रोज़ा है। स्टिल आई एम प्रीटी टायर्ड और मैंने सोचा यार चलो इस पर भी व्लॉग ही कर लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। बट कंग्रेचुलेशंस टू माय होल फैमिली जिनको मैं नहीं दे सका एंड द पीपल हु आर वाचिंग माय व्लॉग, सो दैट्स अ रियली गुड न्यूज़ फॉर अस। एंड आ गए बुरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो और मैं होपफुली कल के व्लॉग में नहीं आ पाया था लेकिन अब आ गया हूं। पढ़ाई आई चल रही है अल्लाह के करम से, और इंशाल्लाह आज हम जा रहे हैं खास जगह, बता दिया? हाँ मैंने सब बता दिया, बता दिया। तो इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं और होपफुली क्या होता है। लेट्स सी ओवर देयर। अगर लेकिन आप लोग अभी तक आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो फर्स्ट सब्सक्राइब करें, तब तक मैं रेडी हूं। सब्सक्राइब सब्सक्राइब हिट द सब्सक्राइब बटन, देन वी विल सी यू गाइस ओवर देयर, टेक केयर। ओके गाइस, हम लोग यहां पे आ गए अभी फाइनली, और अभी तो हमारे जो कजिन्स थे लेने गए हैं खाना पीना, और हम लोग यहाँ पे अभी इंजॉय कर रहे थे थोड़ा बहुत। अभी आपको दिखाते हैं ये अफ्तारी की तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पे। एहसन पप्पा फुल शेफ बने हुए, एहसन पप्पा शेफ हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह क्या बना जा रहे हैं भैया? आज जो है वो असल में आज बिरयानी वगैरह बाकी भी तो इतना आइटम नहीं है, वरना मैं कम अज़ कम चार आइटम तो बनाता हूँ। चार आइटम बनते नहीं असल वाले पकौड़े प्याज और उसके आलू के तो खैर मैं अभी भी बना रहा हूँ। आलू के अभी बन रहे पकौड़े जो है वो, अरे सबसे अच्छे कौन से बनते हैं? सबसे अच्छे जो बनते हैं ना जो मुझे पसंद है वो आलू की वल्कियाँ। आलू ये मुझे भी अच्छा लगता है। मल्टी टैलेंटेड है, सिंगिंग से लेकर कुकिंग से लेकर सब कुछ नॉलेज से लेकर। अभी हम लोग एहसन पप्पा नात भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी पढ़ लेते, तो हाँ अभी तो नात पढ़ लेते। और ये पालक, पालक है एहसन पप्पा, ये पालक है, पालक के भी पकौड़े बन रहे हैं। तो ये अकीजा कर रहा था, तो अकीजे का ही हमने खाना बांटा था फिल्म ने, तो उसी का ये सब आप देख सकते हैं सारे पैक हुए हैं। और ये अभी रोज़ा भी अभी हम यहीं खोलेंगे एहसन पप्पा में फुल स्पाइस, ये देख सकते हैं आप लोग बन के निकल रही है तो मैं खाऊँ खाने से। लेकिन अभी खाएंगे नहीं रोज़ा है। ऑफकोर्स बस रोज़ा खुलने वाला है, थोड़ा सा टाइम रहता है, तो ये देख सकते हैं ये ऑयल से निकलने बाहर दूरी हो जाऊँ अगर कोई। अच्छा ऐसा मुब्बा आपको कौन कौन सी रेसिपीज आती हैं बनाने? मुझे जो स्पेशल मेरी रेसिपीज हैं वो है शाही कोरमा, शाही कोरमा कढ़ाई गोश्त, कढ़ाई रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, और बकरे गोश्त का पुलाव, यखनी पुलाव, यखनी पुलाव, ये सब तो सुभान भाई के आइटम हैं। तुम्हारे मतलब कैसा रखा ना? हाँ कंट्रोल मुझे सच में एग्जैक्टली ऐसे खाना मैं नहीं खाता, ये लोग खाते हैं सारे, इन लोग को नहीं नहीं। शाही कोरमा मुझे पसंद है और यखनी पुलाव भी मैं खा लेता हूं, मैं खा लेता हूं थोड़ा बहुत पुलाव। और अच्छा बुरहान अभी पूछ रहा है ऊपर से कि आपने रेसिपीज बनाना कब सीखी, मतलब आपको पहले से शौक था या आपको अब जाके स्टार्ट हुआ है? कैसा होता है ना किसी को बाद में स्टार्ट होता है, लेकिन अभी हम पूछते हैं क्या सिनेरियो है ऐसा। अच्छा फिर ये बताएं मेरी उम्र में आपने क्या मतलब सबसे पहली जो आप सबको घर वालों को अच्छी लगी वो क्या बनाई थी? हमारी एज अभी कितनी है? मेरी अभी 16 में तो मैंने जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो बनाया था कढ़ाई गोश्त बनाया। कढ़ाई गोश्त कढ़ाई सीखना चाहिए मुझे, मुझे भी सीखना है भाई ये सब, मैं भी सीखना सोच रहा हूँ। ऐसा आपको सब आता है बनाना? ऐसे वैसे मुश्किल तो नहीं होता, वो सारी चीज़ें इजी होती है। कोरमा जो है ना वो टाइम लेता है, मुश्किल वो भी नहीं है, मुश्किल नहीं है। कढ़ाई गोश्त जो है ना पका सकते हैं, कढ़ाई गोश्त का ये कहता हूं जब मेहमान आ जाए और आपको अचानक से कोई खाना अरेंज करना हो तो चिकन कढ़ाई बेस्ट बेस्ट है। मैं ऐसे पर्सनली प्रेफर करता हूं कि मैं बिरयानी सीखूं क्योंकि मुझे पसंद है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट द कढ़ाई, आई लाइक द कढ़ाई इज वेल बट द बिरयानी इज लाइक ऑन टॉप।
क्योंकि मेरी फैमिली में हर कोई बिरयानी खाता है. बिरयानी तो यार फिर अमेजिंग ना, उसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है. आई लाइक चिकन रेसिपीज एज वेल, तो मैं वो भी सीखना चाहता हूँ. बट स्टिल टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता तो वी कैन डू एनीथिंग. एग्जैक्टली. ऑलमोस्ट रोजे का टाइम हो चुका है और रोजा होने वाला है. मैं भी कुछ बोल दूं, मैंने रोजा खोल दिया, शब्द बोले इस पूरे व्लॉग. या श्योर. या सो अभी रोजे का टाइम जो है हमारा बिल्कुल एंडिंग मोमेंट्स पर है. आवाज़ नहीं आएगी तुम्हारी. इफ्तार जो है वो बस होने वाली है, तो बस जो है इफ्तार रोजा खोल से बस रोजा खोलने वाले. और हमारा एक और प्लान था आज का, अभी हमें लेकिन अभी क्या पता वो कन्फर्म नहीं हो. आई गेस हो जाए. I guess might be possible. माई भी हमारे कजन्स वगैरह आने वाले हैं, तो अगर वो आ जाते हैं तो फिर आपको उनसे मिलवाते हैं और फ्रेंड के साथ इफ्तार करते हैं. एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट. ओके गाइस, अभी हम लोग फ्री हो गए, सारे काम वगैरह कर लिए हैं. अफ्तार तो ऑफकोर्स आपको दिखा नहीं सकते थे. एंड सब डन हो गया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं. बस अब यहाँ से निकलते ही हम लोग घर जाएंगे. एंड देन वी विल सी व्हाट वी गोना डू. अफ्तार वगैरह तो हो गई है, मैं फुल हो चुका हूं. हम नो कैपेसिटी ऑफ डिनर, तो खाना तो बोल रहे हैं. ऑलराइट, तो यहाँ से हम निकलते हैं, फिर घर चलते हैं. अच्छा, हम जो है वो अभी अभी वापस आए हैं. वी आर बैक होम राइट नाउ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत फ़न करा, इन्जॉय लॉट एज वेल. एंड बहुत मज़ा आया. और हम लोग आज हमारे कज़न ने हमें, मतलब आज उनके बेटे का अकीका था माशाल्लाह से. सो कंग्रेचुलेशंस ब्रदर, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, ही इज़ इन यूके राइट नाउ. सो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद हमने खाना वगैरह भी खाया. और इसके अलावा आज हमारा एक प्लान और था, लेकिन हम वो कल पे कर रहे हैं क्योंकि आज का डे बिजी था. और एज यू गाइस नो संडे, तो सब अपने मोस्ट ऑफ पीपल्स गोइंग टू देयर रिलेटिव्स और लाइक अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो संडे बिजी ही गुजरता है यूजुअली एज कम्पेयर टू अदर डेज. तो रूटीन डेज के हिसाब से आज तो बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह. और अभी जो है अभी के लिए बस इतना ही. एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. तो आप लोग बताएं. अच्छा, मैंने एक चीज़ मैंने आप लोग से पूछी थी. आई वॉज आस्किंग यू बिफोर, लाइक मैंने आपसे पूछा था कि इफ्तार चैलेंजेस के बारे में आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए या किस तरह के चैलेंज करने चाहिए. तो किसी ने बताया नहीं कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप लोग लाजमी बताएं. सो वील ट्राई टू डू दैट चैलेंज इंशाल्लाह, अगर वो पॉसिबल हुआ तो. आई एम नॉट श्योर, बट अगर पॉसिबल हुआ तो सो वी विल ट्राई टू डू. तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाकी ईद की शॉपिंग तो चल ही रही है, आपको पता है आप सबकी ही चल रही होगी. तो और रूटीन ज़रा बिजी है, लेकिन हम इंशाल्लाह अभी शॉपिंग कुछ कहीं और जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो वो आपको दिखाएंगे लाजमी. और अभी के लिए इतना ही, और इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें. आज तक रात है, दुआ करें. रिमेंबर, कीप रिमेंबर इन योर प्रेयर्स टू, हमें अपनी दुआओं में याद रखें. कीप रिमेंबर मी, माई फैमिली, माई ब्रदर्स इन योर प्रेयर्स इज वेल. एंड होप यू गाइस लाइक द व्लॉग. इफ़ यू लाइक द व्लॉग शुड गो लाइक एंड स्मैश एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन फर्स्ट. और अभी इजाज़त दें, अभी के लिए इतना ही. विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग.